हेलो गाइस, मेरा नाम है कोंकोन और माय वॉल में आप सभी का स्वागत है। कल ऐसा हुआ कि पूरा वीडियो का टाइटल और थंबनेल ही चेंज करना पड़ा। सो वीडियो पे पूरे बने रहिए क्या हुआ देखने के लिए। तब तक मैं कुछ वीडियो पे एडिट करके वॉइस ओवर करके आपके लिए अपलोड करता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते रहिए। ये मेरा पहली बार चला रहा हूँ किसी रॉयल एनफील्ड बाइक को। भाई साहब, सीधी बात नो बकवास, तो बाइक बहुत हैवी है, 198 kg का होगा शायद, लेकिन हाँ हाईवे में चलाने में मस्त है। वाइब्रेशन तो होता है, 80 के ऊपर ले जाने से वाइब्रेशन होता है, ऐसा लगता है कि हाथ और पैर का मसाज हो रहा है। और हाँ, न्यू राइडर को थोड़ा तकलीफ हो सकता है हैवीनेस के कारण, क्योंकि बाइक को बैक कराने में बहुत ये जोर लगता है पैरों। बाय द वे, थैंक्स टू ओमलान फॉर लेटिंग मी राइड हिज बाइक। हाँ, ये बाइक मेरा नहीं है, ओमलान का है, मेरा दोस्त का। ফুলেন ওলাই গেছে। सो ये तो अच्छा हुआ कि किसी को कुछ हुआ नहीं, ना डंपर के ड्राइवर को ना स्विफ्ट डिजायर के ड्राइवर को। लेकिन देखो, सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। जो गाड़ी है, गाड़ी में एटलीस्ट कम से कम आप ये लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, और टू व्हीलर्स में कम से कम हेलमेट, बाकी कुछ ग्लव्स व्लव्स नहीं होने से भी हेलमेट तो मस्ट भी लगाना चाहिए। अभी ये स्विफ्ट डिज़ायर जो था, वो गाड़ी नौगांव या रोहा से कहीं से आया होगा, और डंपर ने सिग्नल ना देके वो टर्निंग ले लिया, तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। देखिए, सिग्नल कहीं पर भी हो, टर्निंग लेना है तो सिग्नल देना है, नहीं तो आपके पीछे से आने वाला गाड़ी, सामने से आने वाला गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि ये टर्निंग लेने वाला है। सो अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। सो इसी बात से फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अभी देखिए मस्त है, अरे इवनिंग स्काई का व्यू दिखाता हूँ मैं। और वीडियो को अभी तक अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon for the further notification of my upcoming videos.